नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश शास्त्री गुरुजी हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको शत्रुनाश के वशीकरण के बहुत से प्रयोग बताए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है शत्रु का उच्चाटन किस प्रकार से आप कर सकते हैं, शत्रु को पागल किस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ये क्रिया बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन शत्रु का उच्चाटन करना या शत्रु का मारण करना या कोई भी ऐसी शत्रु के लिए क्रिया करना, जब कोई बड़ा कारण हो या शत्रु ने आपके प्यार, पैसा, प्रॉपर्टी या किसी प्रकार की आपको हानि पहुंचाई है, तो ही इस खतरनाक प्रयोग का आपको प्रयोग करना है। वरना किसी निर्दोष या निर्बल प्राणी, निर्बल जीव के ऊपर ये प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा खतरनाक प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसका आप कृपया आप दुरुपयोग ना करें। ये प्रयोग करने से आपका जो भी शत्रु है, दुश्मन है, जिसने आपका अहित किया है, आपको बर्बाद किया है, तो आपके अंदर वो ज्वाला, वो नफरत की आग हर बार भड़कती हैं कि मैं उससे आप बदला कैसे लूँ। इसीलिए इस तंत्र शास्त्र में इस प्रकार के प्रयोगों का खोज किया हमने कि आप शत्रु से आप किस प्रकार से आप बदला ले सके, उसको आप बर्बाद कर सके। तो दोस्तों, ये प्रयोग आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन इसलिए करना है क्योंकि न्याय के देवता हैं, वो है शनि महाराज। शनि देव, जब आपको कहीं पर भी न्याय नहीं मिला तो आप इस प्रयोग को करके आप अपने न्याय को पा सकते हैं। कानूनन न्याय नहीं मिला है, सामाजिक न्याय नहीं मिला है, तो आप इस प्रयोग को आप अच्छे से ध्यान से देखें। और इस प्रयोग में एक बात बता दूं आपको, इस जो मैं मंत्र बताऊंगा जो प्रभावशाली शत्रु को पागल करने का, उस मंत्र को आप अच्छे से 1108 मंत्रों से इसको सिद्ध कर ले। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद ही ये प्रयोग, ये मंत्र काम करेगा। और निश्चित रूप से इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो शत्रु को पागल करने का जो मंत्र है, इस मंत्र को आप अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन शाम को 7:30 से 9 बजे के बीच में आपको रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला, रक्त चंदन की माला हो, उससे आप इस मंत्र को आप एक बार भगवान शनि भगवान का ध्यान करना है, भगवान भैरव का ध्यान करना है। और इस मंत्र को आप एक अगरबत्ती धूप जला के, एक दीपक जला के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र को आप एक बार सिद्ध कर लीजिए। तो दोस्तों, ये प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है मैं आज आपको लाइव करके दिखाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, तो दोस्तों, इस प्रयोग को आपको शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है, आसन बिछा देना है लाल कलर का, और लाल कलर के आसन पर बैठना है। इस प्रकार से पाठे के ऊपर आप ये प्रयोग शनिवार के दिन आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जब ये इसका अंतिम समय आएगा कि इसको जब ये पुतला होगा, इसको किस प्रकार से आप डालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और पहले आप देखिए, इस प्रकार से लाल कलर के वस्त्र के ऊपर काले तिल का शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शाम को 7:30 से 9 बजे के बीच में ये प्रयोग करना है। एक ढेरी बना दीजिए लाल कपड़े के ऊपर काले तिल की, थोड़ा सा काला तिल लाल कपड़े के ऊपर बिछा दीजिए। ये प्रयोग दोस्तों बहुत ही खतरनाक, प्रभावशाली, प्रचंड है। इससे दुश्मन का आपका पागल हो जाएगा, कपड़े फाड़ता फिरेगा, और दोस्तों उसका इतना ज़बरदस्त उच्चाटन होगा, इसका कहीं भी इलाज नहीं हो पाएगा। कोई भी डॉक्टर, वेद, हकीम इसका इलाज नहीं कर पाता है। दोस्तों, जिसके साथ मेरे पास में बहुत से कमेंट आते हैं ये प्रयोग दोस्तों के, गुरुजी शत्रु के लिए मुझे ऐसा प्रचंड प्रयोग बताइए,
जिससे शत्रु ने मेरे साथ में ये गलत कर दिया है, ये अहित कर दिया है, तो मुझे ये प्रयोग ऐसा बताइए जिससे दुश्मन पागल हो जाए। तो दोस्तों, ये प्रयोग मैं आज आपके लिए विशेष तौर से, इस प्रयोग को ध्यान से देखें, एकाग्र होके और अच्छे से मंत्र को सिद्ध करके ही इस प्रयोग को करें, वरना अर्थ का अनर्थ होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक चावल की ढेरी ले लीजिए। चावल की ढेरी पे एक सुगंधित धूप, भैरव साधना से ये प्रयोग है, ये भैरव साधना का है ये, इसलिए भगवान भैरव के लिए ये एक सुगंधित धूप आपको जलाना है। भैरव, भगवान भैरव के लिए सुगंधित धूप आप एक चावल की ढेरी के ऊपर जला लीजिए और भगवान भैरव के लिए दीपक कर लीजिए और एक सफ़ेद कलर का कपड़े का पुतला बनाना पड़ेगा और आपको बबूल के कांटे लेने पड़ेंगे 21 कांटे शत्रु के सर के ऊपर लगाने के लिए। शत्रु का नाम और शत्रु के पिता का नाम पुतले के ऊपर लिख दीजिए और बबूल के 21 कांटे मंत्र बोलते जाएंगे। एक बार मंत्र सिद्ध करने के बाद में फिर ये अपना कार्य करना शुरू कर देगा और दुश्मन निश्चित रूप से ही पागल होगा 24 घंटे के अंदर। तो इस प्रकार से आपको एक पुतले के ऊपर नाम लिख के, शत्रु का नाम, पिता का नाम, और यदि आपके पास में फ़ोटो अवेलेबल है दुश्मन का तो आप फोटो भी रख सकते हैं। और दोस्तों, जो शत्रु को पागल करने का जो मंत्र है, वो इस मंत्र को आप, मैं आपको भी बताऊंगा अच्छे से। एक इस प्रयोग में आपको जरूरत पड़ेगी आग के पत्तों की। आग में बहुत से औषधीय गुण होते हैं जो ये अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो आपको अगर किसी शत्रु का बुरा करना है, पागल करना है, तो उसको एक फोटो के ऊपर फिर पान का पत्ता रख दीजिए और शत्रु को पागल करने का मंत्र उसके ऊपर लिख दीजिए और फिर इस पुतले को इसके ऊपर रख दीजिए। फिर दोस्तों, कुमकुम लेना है, कुमकुम से मंत्र बोलना है, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः प्रसन्नस्तु, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। इस मंत्र को आप 108 बार मंत्र बोलेंगे, ओम भैरवाय नमः प्रसन्नस्तु। फिर ये मंत्र है दोस्तों, जो आप सिद्ध करेंगे अमावस के दिन या शनिवार के दिन, ये मंत्र आप अच्छे से देख लीजिए और सिद्ध कर लीजिए। 1108 बार मंत्र सिद्ध कर लीजिए, इसी प्रकार से दीपक और एक सुगंधित धूप जला के। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम क्रीम अमुक शत्रु मस्तक्ष उन्मूलय उन्मूलय ओम फट स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से आप मंत्र बोलेंगे और इसके पुतले के सर के ऊपर ये बबूल के कांटे लगाएंगे। ओम क्रीम क्रीम अमुक शत्रु मस्तक्ष उन्मूलय उन्मूलय ओम फट स्वाहा। बहुत साधारण सा मंत्र है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली। इस प्रकार से आप लगाएंगे बबूल के कांटे और धतूरे का बीज, जो धतूरा है, इस धतूरे के कुछ बीज इसके ऊपर। धतूरा आदमी को मधोस कर देता है, पागल कर देता है, इसलिए धतूरे के बीज का आप थोड़ा सा धतूरे के बीज भी आप इसके ऊपर डालेंगे। आग धतूरा, थोड़े धतूरे के बीज इस पुतले के ऊपर डालेंगे। निश्चित रूप से ये प्रयोग सफल है, सिद्ध है, कारगर है, आजमाया हुआ है। और इस धतूरे के बीज जैसे आदमी को मधोस और पागल कर देता है, उसी प्रकार आपके शत्रु का भी उच्चाटन हो जाएगा और ये शत्रु आपका निश्चित रूप से पागल हो जाएगा, गली गली सर पटकता फिरेगा। इसको भी आप आराम से नीचे रख दीजिए। फिर दोस्तों,
फिर वापस कुंकू से थोड़ा सा, जब ये आप 108 मंत्र से जब इसके ऊपर लगा देंगे बबूल के कांटे 21 कांटे, फिर आप वापस एक बार ओम भैरवाय नमः 21 बार फिर वापस मंत्र बोलेंगे ओम भैरवाय नमः ओम भैरवाय नमः। फिर आप एक नींबू काटेंगे इसके ऊपर शत्रु के मस्तक के ऊपर, उसके नाम के जो पुतला बनाया है उसके ऊपर एक नींबू काटेंगे ओम भैरवाय नमः। इस मंत्र काटने के बाद में जो कुंकू आपने लगाया है वही दोनों तरफ पुतले के ऊपर रख देंगे। इस प्रकार से आप ये प्रयोग आराम से घर बैठे कर सकते हैं एकांत में शत्रु को पागल या उच्चाटन करने का। फिर दोस्तों आपको एकांत में शमशान के किनारे भी कर सकते हैं, कहीं भी दूर एकांत में इस पुतले को डालना है। इस प्रकार से आग के कुछ पत्ते आपको पहले गड्ढे में बिछाने हैं, 5-7 या 11 पत्ते आपको अच्छे से धो के साथ में लेके जाना है। और इस प्रकार से इसकी एक पोटली बनानी है। इस प्रकार से पोटली बना लेंगे और इस पोटली को आप अच्छे से बांध के इसको आप शमशान के किनारे या कहीं एकांत में पीपल के पहले इसके आग के पत्तों को गड्ढे में बिछा देंगे और इस पोटली को आप दबा देंगे। दबाने के बाद में इसके ऊपर वापस मिट्टी डाल के बिना देख वापस मुड़े, आपको वापस देखना नहीं है, मुड़ना नहीं है कि क्या हुआ है, और आपको वापस घर पे आ जाना है। और इस प्रकार से ये प्रयोग आपका सफल होगा, सिद्ध होगा। जिस दिन आप सैटरडे को करेंगे, संडे के दिन वापस रविवार के दिन ही इसका प्रभाव आपको शत्रु के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से शत्रु पागल होगा, उसका उच्चाटन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से शत्रु का उच्चाटन करते हैं, पागल कर सकते हैं। इसका इलाज कहीं भी नहीं होगा, कोई भी वेद डॉक्टर हकीम इस इलाज को नहीं कर सकता है। ये होने के बाद में यदि आप जहाँ पर इसका वापस निराकरण करना चाहते हैं तो इस पुतले को आपने जहाँ पर डाला है और आप भी जाकर वापस निकालेंगे और इस पुतले को आप जला देंगे या पानी में बहा देंगे या इसके ऊपर गंगा जल छिटकेंगे, गंगा जल में डुबोएंगे इस पुतले को, तभी उसका प्रभाव वापस ख़त्म होगा। तो ये प्रभाव आप ही इसका वापस निराकरण कर सकते हैं, बाकी दुनिया का कोई भी शक्ति इस चीज़ का निराकरण नहीं कर सकती है। तो दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से मेरा और भी आपको शत्रु के प्रयोग या वशीकरण के कुछ प्रयोग या अच्छे से अच्छे मेरे प्रोग्राम को आप आगे आने वाले देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाएं ताकि विश्व के किसी भी कोने में आप हमारे प्रयोग को देख पाएं। धन्यवाद, नमस्कार।